हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, तो भाई बात ऐसी है, थोड़े दिन पहले मैंने फेसबुक पे क्या डिलीशियस दिखने वाली पूड़ियों की फ़ोटो देखी। और फ़ोटो देखते ही मैंने अपने दोस्त साहिल से पूछा, भाई ये कहाँ की फ़ोटो है? तो उसने मुझे उस जगह का नाम बता दिया है। तो आज मैं वहीं आपको लेके चल रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट के बहुत ही कम वीडियोस बनाए हैं और दिल्ली में बहुत ही कम जगहें ऐसी हैं जहां मुझे ब्रेकफास्ट बहुत पसंद आया हो। तो आज यहां जा रहे हैं, दरियागंज में है ये जगह। यहां जाके देखते हैं कि भाई कैसी जगह है, क्या क्या मिलता है, क्या प्राइस है, और दरियागंज जाके खाने का इसका मज़ा है या नहीं। तो चलिए चलते हैं दरियागंज। तो लीजिए, सुबह के 8 बजे हैं और मैं इस वक्त अंसारी रोड पे हूँ, जो कि गोलचा सिनेमा दरियागंज के सामने रोड है। और मैं इस वक्त जा रहा हूँ अरिहंत स्वीट्स पे। आपको यहाँ का लैंडमार्क समझाता हूँ। लैंडमार्क आप ये देखिए, मेरे राइट हैंड साइड पे ये गर्ल्स स्कूल है, सर्वोदय कन्या विद्यालय, ये यहाँ का लैंडमार्क है। चलिए, और ये जहाँ पे मोड़ है, हमें जो दुकान पे जाना है वो इसी मोड़ पे है। सुबह आने का मेरा यही रीज़न था, एक तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा, गर्मी भी कम होगी और भीड़ भी आई गेस नहीं होनी चाहिए दुकान पे। सुबह सुबह का टाइम है तो मैं वीडियो भी आराम से बना लूँगा। तो लीजिए, हम ऑलमोस्ट मोड़ पे पहुँच गए हैं। मैं यहाँ से आपको लोकेशन समझाता हूँ दुकान की। ये कारों के बीच में, ये थोड़ा सा आगे आता हूँ, यहाँ से क्लियर दिखेगा। ये देखिए, ये सामने दुकान है, कोई साइन बोर्ड नहीं है। ये है अरिहंत स्वीट्स। देखिए, कोई साइन बोर्ड नहीं है, बिल्कुल कॉर्नर की शॉप है। लोकेशन समझाता हूँ, वो सामने HDFC बैंक दिख रहा है आपको। इस पे मैंने नंदलाल ढाबा का भी वीडियो बनाया था, इसी लोकेशन पे। जी हाँ, ये सेम लोकेशन है, वही। सामने देखिए, एक मानस पब्लिकेशन करके बिल्डिंग है। और ये थोड़ा घुमा के दिखाता हूँ, ये आपको बराबर में बिल्कुल स्कूल की, सर्वोदय जो स्कूल है, ये यहाँ का बेस्ट लैंडमार्क है जो आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो लीजिए, शुरू हो गया है मेरे लिए पूड़ियाँ बनना। और मैं यहाँ पे सुबह सुबह आ गया हूँ और आई गेस मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही सबसे पहला यहाँ पे कस्टमर हूँ सुबह सुबह। लीजिए, गया। ये जो कढ़ाई में इन्होंने डाली है, ये है बेदमी पूड़ी, 15 रुपये पर पीस इसका प्राइस है। बेदमी पूड़ी को सुपर क्रिस्प गोल्डन ब्राउन बनाने के लिए इसको डबल फ्राई किया जाता है। पहले हाफ डन करके बाहर निकाल लिया जाता है कढ़ाई से, और अब ये दूसरी बार कढ़ाई में सेम पूड़ियाँ डाली गई हैं ताकि ये बढ़िया से लाल सुर्ख हो जाएं। वो देखिए, ये देखिए, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन लाल सुर्ख कर दी गई हैं पूड़ियाँ, करारी पूड़ियाँ जिसे कहेंगे हम।
तो लीजिए पेश है नाश्ता, बेदमी पूरी और साथ में तीन टाइप की सब्जियाँ। सबसे पहले ये देखते ही, ये देखिए, ये साथ में है आलू की सब्जी। इसको ध्यान से देखिए, इसमें आपको टमाटर दिख रहा है, ये आलू छोले हैं, और ये देखिए सफ़ेद छोले के बराबर में ये देखिए ये टमाटर भी दिख रहा है। ये सीताफल की सब्जी जिसे हम कद्दू की सब्जी कहते हैं, बराबर में मिर्च का अचार, और ये बेदमी पूड़ियाँ। देखने में लाजवाब, खुशबू भी, महक भी एकदम मस्त। तो चलिए ये देखिए कितनी ईजिली टूट रही है, ये बेदमी पूड़ी है ना कि मैदे की। ये पूड़ियाँ देखते ही मुझे सबसे पहले अंबाले का अपना जैन समोसे वाले की पूड़ियाँ याद आ गई हैं। बस डिफरेंस ये होता है वो बेदमी की जगह मैदे की पूड़ियाँ पीठी फिलिंग वाली साथ में सर्व करते हैं, और ऐसे ही तीन सब्जियाँ होती हैं। ये देखिए ये आलू में भिगो के देखा जाए, आलू की सब्जी में लाल मिर्च का फ्लेवर इजीली मैं महसूस कर सकता हूँ। टेंगी टेस्ट है, जैसे टमाटर मिक्स किया होता है, टमाटर की वजह से आई गेस काफ़ी टेंगी टेस्ट है। अलग से खा के देखता हूँ। बिल्कुल, इसमें मेथी की भी चटनी मिक्स की गई है तो उसका अलग टेस्ट है। अब ये कद्दू की सब्जी देखते हैं। इसमें काफ़ी मिठास है। अब इसको एक बढ़िया जो तरीका है मुझे इसको एंजॉय करने का वो दिखाता हूँ। ये देखिए ये थोड़ा सा कद्दू, और ये साथ में आलू छोले, और इसमें मेथी की चटनी मिक्स है। अब देखते हैं इसका क्या टेस्ट आता है इकट्ठे का। ये बहुत ही लाजवाब ब्रेकफास्ट है, मुझे बहुत पसंद आया, और किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। हल्की लाल मिर्चों का, मिर्चें थोड़ी सी तेज़ हैं, कद्दू की सब्जी में कोई मिर्च नहीं है, और ये एज ए कॉम्बो सारी सब्जियां मिक्स करके खाओ, और तो मुझे तो ये पूड़ियाँ इतनी पसंद आई कि मैंने दो पूड़ियाँ और ले ली हैं। ये सच में लाजवाब हैं, और इन शॉर्ट मैं ये बोलूँगा दिल्ली का अभी तक का मैंने सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट अरिहंत स्वीट्स पे ही किया है। मैं इतनी जल्दी इम्प्रेस नहीं होता ब्रेकफास्ट, स्पेशली ब्रेकफास्ट से, बट ये सच में अमेजिंग है। आप यहाँ ज़रूर आएँ। थैंक यू।